आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव प्रतापपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर और ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान खजान सिंह हैं। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। इन्होंने इस गांव को किस तरह से सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव प्रतापपुर में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास आपने अब तक अपने गाँव में करवाए हैं? हमने सड़क नाली जी शौचालय वगैरह बनवाए हैं। ODF हो गया गाँव? ODF करा दिया गया गाँव, जब सबके शौचालय बन चुके हैं। प्लस 5 आवास मिले थे हमको, वो हमने करा दिए। सीसी टाइल्स का कितना करवा दिया? सीसी टाइल्स लगभग जितना बजट आया हमारे पास, हमने ज्यादातर सीसी टाइल्स कार्य में लगवाया। स्कूल की हालत बहुत खराब थी, आज तुम जाके देख लो कि बहुत बढ़िया चमका। स्कूल में काम करवाया, सबसे ज्यादा रुपया स्कूल में लगाया हमने जी। यहाँ जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ आपके गांव में मिलता है? सभी मैंने सबको दिलवा दिया, किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, सभी को आ रहा है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? सोलर लाइट हमारे गाँव में 8 लगी है। कूड़ेदान लगवाए हैं? कूड़ेदान भी लगे हैं। सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था बढ़िया, 2 सफाई कर्मचारी हैं हमारे यहाँ जी, आते हैं नियमित। हाँ, नियमित आते हैं। यहाँ पर 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिल जाती है एकदम तुरंत 5 मिनट के बाद। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर है आपकी ग्राम पंचायत में? नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र, खेल का मैदान। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्या आसपास कोई सामुदायिक केंद्र या कुछ भी ऐसा? कुछ नहीं है। इसके अलावा शमशान घाट, कब्रिस्तान? शमशान घाट भी नहीं है हमारे। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थल के लिए कितनी दूर यहाँ लगभग ढेला के आसपास जाना पड़ता है? आधा किलोमीटर। कोई परेशानी तो यहाँ नहीं? अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हम तो यही मांग रखेंगे कि जो जो पैसा आ रहा है उसको जो है इसी तरीके से सरकार लगवाए, जिस तरीके से लगवा जी। तो अब आगे जो आपकी मांग रहेगी यहाँ अपने ग्राम पंचायत के लिए, छोटी सी ग्राम पंचायत है आपकी, कितने रास्ते अभी यहाँ पर कच्चे बाकी बचे हैं? यहाँ दोनों गाँव में लगभग छोटे छोटे रास्ते 7-8 हैं, छोटे छोटे। कितने मीटर सीसी से पूरा हो जाएगा? वो लगभग 200 मीटर सभी रास्ते पर। क्या यहाँ गरीब लोग हैं जिनके आवास कच्चे हैं, जिन आवासों के? हाँ है, मैंने उनके नाम दे रखे हैं। कितने परिवार ऐसे हैं? लगभग है लगभग 1500 के आसपास परिवार हैं यहाँ पर। क्या गांव में कोई और समस्या आपके सामने आती है, जैसे जल भराव की कहीं पर समस्या? हाँ, एक समस्या आ रही है तो उन्हें उसका निस्तारण लोग द्वारा निपटारा करने वाले हैं जी, उसका सलूशन निकाल लिया गया। जल भराव की समस्या आ रही है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ अब तक करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी यहाँ मिले हैं और सड़कों से भी ये गांव लगभग पूरी तरह से पक्का हो चुका है, लेकिन अभी भी 200 मीटर रास्ता यहाँ पर कच्चा है, जिसके लिए प्रधान सीसी की मांग करते हैं। यहाँ लगभग 15-16 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। बारात घर और पंचायत घर को लेकर भी प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। तो अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24।